वो अपनी बातों से पलट जाता है, वो अपनी बातों से कभी नहीं पलटी। अब तुम अपनी बात से पलटो मत, मैं अपनी बातों से नहीं पलटता। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में कभी ना कभी यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज कर देनी है गो बैक ऑन, इसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे कि माई, योर, हीज, हर, ये सब। इसके बाद आपको यूज कर देनी है वर्ड्स, वर्ड्स के बाद आपको यूज कर देनी है अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल देखने से पहले मैं और भी एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पर जो गो देख रहे हैं ये एक मेन वर्ब है जो कि टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज। क्लियर गाइस? चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, वो अपनी बातों से कभी नहीं पलटी। सी नेवर वेंट बैक ऑन हर वर्ड्स। सी नेवर वेंट बैक ऑन हर वर्ड्स। अब तुम अपनी बात से पलटो मत। डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड्स नाउ। डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड्स नाउ। वो अपनी बातों से पलट जाता है। ही गोज बैक ऑन हिज वर्ड्स। ही गोज बैक ऑन हिज वर्ड्स। चिंता मत करो, मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगा। डोंट वरी, आई वोंट गो बैक ऑन माई वर्ड्स। डोंट वरी, आई वोंट गो बैक ऑन माई वर्ड्स। क्या वो अपनी बात से पलट गई? डिड सी गो बैक ऑन हर वर्ड्स। डिड सी गो बैक ऑन हर वर्ड्स। मुझे अपनी बातों से पलटने वाले लोग पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक पीपल हु गो बैक ऑन देयर वर्ड्स। आई डोंट लाइक पीपल हु गो बैक ऑन देयर वर्ड्स। वे अपनी बात से पलट रहे थे। दे वर गोइंग बैक ऑन देयर वर्ड्स। दे वर गोइंग बैक ऑन देयर वर्ड्स। वो अपनी बात से पलट रहा है। ही इज गोइंग बैक ऑन हिज वर्ड्स। ही इज गोइंग बैक ऑन हिज वर्ड्स। मैं अपनी बातों से नहीं पलटता या फिर मैं अपनी बातों पर वापस नहीं जाता। आई डोंट गो बैक ऑन माई वर्ड्स। आई डोंट गो बैक ऑन माई वर्ड्स।